हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से Asus ZenFone Max Pro M1 में किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं, और वो सारे नंबर जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है और वो सारे नंबर जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं भी है उनको किस तरीके से ब्लॉक करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो वेज बताने वाला हूँ जिनके जरिए, इन दोनों वेज के जरिए आप किसी भी नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं एज वेल एज अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, प्रैक्टिकली ही इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ोन ऐप को ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में टॉप पर तीन डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ हमें टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक्ड नंबर्स हमें नज़र आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनके सभी देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारे कंपनीज़ के नंबर है, बहुत सारे ऐसे स्पैम नंबर्स है जो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस जगह पर आते हो, कोई भी नंबर नज़र नहीं आता है, तो ऊपर का एक ऑप्शन होता है ऐड अ नंबर। अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उस नंबर को टाइप करना पड़ेगा। एक पहला तरीका ये है, ऐड अ नंबर पर आप टैप करेंगे, उस नंबर को यहाँ पर आप लिख देंगे जो नंबर आपको ब्लॉक करना है, ब्लॉक का बटन नज़र आएगा, ब्लॉक कर लेना है, तो इस तरीके से ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अनब्लॉक करने का, कुछ दिन पहले अपने एक चैनल के व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि ब्लॉक नंबर को Asus ZenFone Max Pro M1 में अनब्लॉक कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा सभी के लिए, जो राइट साइड में यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है, ये बहुत ही सिंपल सा है, देखकर भी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर जिस नंबर को आपको अनब्लॉक करना है, तो यहाँ पर इस नंबर, इस जो क्रॉस का साइन है, इस पर आप टैप कर दीजिए, तो वो आपका नंबर जो है जिसके आगे का क्रॉस आपने टैप किया है वो अनब्लॉक हो जाएगा। मैं फिलहाल किसी को अनब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको लाइव नहीं बता रहा हूँ, आप कर लीजिए, सिंपल सा है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये एक तरीका हो गया। यहाँ पर वो सारे नंबर्स हमें एक ही लिस्ट में नज़र आते हैं जो हमने ब्लॉक किए, ये एक जगह है। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो यहाँ पर इसके लिए हमें जो है कॉन्टैक्ट्स में आना है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट को हम किसी भी जगह से ओपन कर सकते हैं, चाहे तो कॉल लॉक्स में से ओपन कर सकते हैं, या तो फिर हम उसे हमारे कॉन्टैक्ट ऐप से ऑन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर फिलहाल मैं इसको फ़ोन ऐप से ही करता हूँ। फ़ोन ऐप पर टाइप किया, कॉन्टैक्ट पर टाइप किया, उसके बाद यहाँ पर उस नंबर को आपको सेलेक्ट करना है जिसको आपको ब्लॉक करना है। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, नंबर पर टैप करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में टॉप पर तीन डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें टैप करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लॉक नंबर्स। तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स पर जैसे हम टैप करेंगे तो नंबर हमें नज़र आएगा और ब्लॉक के लिए कंफर्मेशन हमसे किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम ब्लॉक कर देंगे तो डेफिनेटली उसका टेक्स्ट मैसेज और कॉल जो है वो हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो है पूरा टोटली एक ही वक्त में टेक्स्ट भी और हमारे जो वॉइस कॉल्स होते हैं वो भी दोनों एक साथ में यहाँ पर ब्लॉक हो जाते। तो ये पर्सन ना ही हमें कॉल करेगा ना ही हमें मैसेज करेगा, ऊपर की तरफ आप मैसेज वो पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। इसी तरीके से आप अननोन नंबर को, अननोन नंबर से आपको कॉल आया, उसे अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो, वो नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके लिए फ़ोन ऐप को ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रिसेंट्स पर आएंगे, वो नंबर पर हम उसके लोगो पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद राइट साइड में टॉप पर तीन डॉट्स है, उस पर हम टैप करेंगे। उसके बाद इसको ब्लॉक नंबर्स पर टैप कर देंगे, तो ना ही ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन ना ही हमें मैसेज करेगा ना ही हमें कॉल करेगा। तो ये दो वेज है जहाँ से आप इसको ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। फिलहाल अगर ये नंबर ब्लॉक है तो हमें स्टेटस उसका नज़र आएगा ब्लॉक, कुछ इस तरीके से इसका आइकन हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर टैप करने के बाद राइट साइड में टॉप पर तीन डॉट से यहां पर हमें आना है और अनब्लॉक नंबर्स पर टैप करना है। तो कुछ इस तरीके से ये दूसरे तरीके में हम अनब्लॉक कर सकते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था उसमें क्रॉस के साइन पर आप टैप करेंगे तो अनब्लॉक हो जाएगा, या तो फिर यहां पर इस तरीके से हमें करना है अनब्लॉक नंबर्स पर हम टैप करेंगे और इसको अनब्लॉक कर लेंगे, तो ये पर्सन जो है फिर हमें कॉल भी कर पाएगा एज वेल एज टेक्स्ट भी कर पाएगा। तो ये दो तरीके हैं, तो आप इन्हें करके देखिए। इनके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो भी जिस मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।